Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Grammar by Zoya Khan. I hope you all are doing great. So, many of my students were asking different questions regarding writing skills, including how can I improve my writing skills or how can we write grammatically correct sentences. This is a very common confusion among most of the students, and all of us know that writing is a very important part of communication. Now, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी जिनकी जो बिगिनर लेवल के हैं और उनकी राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी राइटिंग स्किल्स डेफिनेटली बहुत अच्छी होंगी. सो यू मस्ट बी हैविंग अ क्वेश्चन इन योर माइंड दैट हाउ कैन आई स्टार्ट राइटिंग और हाउ कैन आई इम्प्रूव माई राइटिंग स्किल्स. इस वीडियो में हम इन दोनों ही क्वेश्चंस को कवर करेंगे. अगर आप कोई बिगिनर लेवल के स्टूडेंट हो और आप अपनी राइटिंग स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो, तो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए, कौन सा ऐसा प्लान है जो काम करेगा और आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत आसानी से और तेज़ी के साथ डेवलप हो सकती हैं, और आप फिर अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो. सो आई एम गोना शेयर 5 इम्पोर्टेंट टिप्स विद यू टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स एज वेल. लेट्स स्टार्ट. So if you are a beginner level student and you want to develop your writing skills, here is a step-by-step practical plan for you. And the first step is start writing. अच्छा, सबसे पहले तो आप अपना डर ख़त्म कीजिए और आप लिखना शुरू कर दें. लिखने के लिए आपके पास तीन चीज़ें होनी चाहिए राइटिंग स्किल्स के लिए. नंबर वन है मटेरियल, नंबर टू है ग्रामर एंड नंबर थ्री इज वोकैबुलरी. चले आप कहते हैं कि हमारे पास इन तीनों चीज़ों का कुछ ना कुछ नॉलेज है, बट द मेजर कन्फ्यूजन इज स्टिल हेयर दैट वट शुड आई एग्जैक्टली राइट अबाउट. बहुत से स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि हमें नहीं पता कि हम लिखें किस बारे में, और सेकेंडली जब हम लिखने बैठते हैं तो हमारे जो आइडियाज़ हैं वो एकदम से गायब हो जाते हैं. सो द सिंपलेस्ट आंसर इज स्टार्ट राइटिंग अबाउट समथिंग यू ऑलरेडी नो. इसमें आपको फ़ायदा क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो आपने लिखना शुरू कर दिया, और किसी ऐसी चीज़ के बारे में लिखना शुरू करें जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता हो, आपके पास उस चीज़ से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको पैराग्राफ राइटिंग टास्क देती हूँ और वो पैराग्राफ मैं आपको किसी पोलिटिकल सिचुएशन पर दे देती हूँ या कोई भी डिफ़िकल्ट टॉपिक दे देती हूँ, तो अगर तो किसी स्टूडेंट को ऑलरेडी उसकी राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, तो सबसे पहले तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो ये काम ही नहीं करेगा. वो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसे उसके पास नॉलेज नहीं है. पहले उसे गूगल करना पड़ेगा, उसे सर्च करना पड़ेगा, उसे वो नॉलेज लेना पड़ेगा, उसके बाद वो आइडियाज़ को डेवलप करेगा और फिर वो इस तरफ आएगा. तो इतने ज़्यादा लंबे प्रोसेस में से गुजरना किसी स्टूडेंट के लिए आसान नहीं होता. सो वो क्या करेगा? वो गिव अप कर देगा. सो द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन इज़, आपने क्या करना है, आपने उन टॉपिक्स से स्टार्ट करना है जिनके बारे में आपको ऑलरेडी पता होता है, ऑलरेडी नॉलेज होती है. अब देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स. द टॉपिक्स कैन बी हाउ वॉज योर डे, वट डू यू लाइक इन अदर्स, वट हैबिट्स डू यू हेट इन अदर्स, वट इज़ द मोस्ट मेमोरेबल डे इन योर लाइफ एंड वट आर योर व्यूज़ अबाउट योर एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स. अब ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको ऑलरेडी पता होता है. अब हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा था, इसके बारे में आपको गूगल करने की ज़रूरत नहीं है. What you like in others, what habits do you hate in others, और आपकी ज़िंदगी का कोई memorable day कौन सा है उसके बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं, या आपके जो extended family members हैं यानी जो आपके रिश्तेदार हैं उनके बारे में आपके क्या views हैं, तो ये तो बहुत ही interesting सा एक paragraph होगा. So ये अब ऐसे topics हैं जिनके बारे में आपको कुछ search करने की ज़रूरत नहीं है. सो आप कह लीजिए कि आपका 50% काम जो है वो तो यहीं पे ही हो गया, कि आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है. अब आपने क्या करना है, आपने जस्ट लिखना है. यू जस्ट हैव टू स्टार्ट राइटिंग. नेक्स्ट स्टेप इज ग्रामर. व्हाई डू आई नीड ग्रामर? ग्रामर है क्या? बेसिकली दिस इज़ हाउ टू कनेक्ट वर्ड्स इंटू फ्रेजेस एंड फ्रेजेस इंटू सेंटेंसेस. एवरी टाइम यू कनेक्ट टू वर्ड्स, you are using grammar.
अब आपका पहला स्टेप क्या था कि आपने पैराग्राफ लिख लिया, किसी भी टॉपिक पे लिख लिया। अब आप आगे क्या करोगे, आपने क्या करना है कि आपने उस पैराग्राफ को या तो खुद चेक करना है या फिर आपने किसी से चेक करवा लेना है, और उसके अंदर जितने भी आपके ग्रामेटिकली एरर्स हैं या मिस्टेक्स हैं आपने उनकी एक लिस्ट बना लेनी है। गेट योर वर्क चेक एंड मेक अ लिस्ट ऑफ रिपीटेड मिस्टेक्स। तो आपने अपने एक लिस्ट बना लेनी है उन तमाम मिस्टेक्स की जो आप ज़्यादा कर रहे हो अपने पैराग्राफ में। अब वो लिस्ट आपके टॉपिक्स जो हैं वो कोई भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल वर्ड ऑर्डर इन क्वेश्चन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या पंक्चुएशन मार्क्स को करेक्टली यूज़ करने में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, प्रपोजिशंस का आपको पता नहीं चल रहा कि एडजेक्टिव के बाद कौन सी सही प्रपोजिशन आएगी, या प्रोनाउन वर्ब एग्रीमेंट में आपको मसला है। अब बेसिकली ग्रामर कोई एक टॉपिक नहीं है बल्कि इसके अंदर बहुत से टॉपिक हैं और हर टॉपिक के मज़ीद सब टॉपिक्स हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी ग्रामर ही आती हो या आपको सारी ग्रामर ही ना आती हो। कुछ स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पे टेंसेस में बहुत अच्छे हो सकते हैं या नरेशंस में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उन्हें मॉडिफायर्स के बारे में पता नहीं चलता, या उन्हें उनकी प्रपोजिशंस इतनी अच्छी नहीं होती, उनके पंक्चुएशन मार्क्स अच्छे नहीं होते, या कुछ स्टूडेंट्स का अगर प्रपोजिशन में तुक्का लग जाता है या उनके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छे हैं तो उन्हें वैसे जो है वो टेंसेस उनके अच्छे नहीं हैं। सो आप जब अपनी मिस्टेक्स को हाईलाइट कर लोगे और आप देखोगे कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप बार बार कर रहे हो, तो आप फिर उन पे फोकस करोगे। आप उस एक ख़ास टॉपिक पे फोकस कीजिएगा और उस टॉपिक की अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्प्रूव करें, उसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। चाहे आप किसी टीचर की हेल्प लें या आप किसी बुक से हेल्प लें, ऐसी बुक से जिसमें प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हो विद देयर आंसर कीज़, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक से रिलेटेड वो इम्प्रूव हो सके। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं मिसाल के तौर पे कि जो आपके सेंटेंस के अंदर जब एक सब्जेक्ट होता है तब तो बहुत से स्टूडेंट्स के लिए डिसाइड करना आसान होता है कि उसके साथ कौन सा वर्ब आएगा, लेकिन जैसे ही एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स आ जाते हैं सेंटेंसेस में तो वहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ जो आप देख रहे हैं कि वन डॉग इज सिटिंग ऑन द ग्रास, टू डॉग्स आर सिटिंग ऑन द ग्रास, सो ये तो बहुत ही सिंपल है, बट व्हेन आई से द स्टूडेंट्स एंड द टीचर is attending the group activities or are joining the group activities, तो यहाँ पर students जो है वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि students and teacher, अब दो subject हैं, एक plural है एक singular है, तो आप verb जो है वो किसके according इस्तेमाल करोगे, तो इसके लिए आपको grammar rules को study करना पड़ेगा। अब even के बहुत से students ने rules को याद किया होता है, उन्हें rules का पता भी होता है, लेकिन फिर भी जब वो लिखते हैं तो उनकी ये mistakes हो जाती हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि उनके इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती, उन्होंने रूल्स को याद किया होता है लेकिन उनकी प्रैक्टिस नहीं की होती। अब ग्रामर में मिस्टेक्स होती क्यों हैं और कहाँ पे मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रामर में दो तरह से मिस्टेक्स करते हैं मोस्टली। एक फॉर्मेशन से रिलेटेड उनकी मिस्टेक्स हो सकती हैं, सेकेंडली उनके यूजेज से रिलेटेड मिस्टेक्स होती हैं। फॉर्मेशन मतलब कि अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं या प्रेजेंट सिंपल टेंस की, तो उसकी फॉर्मेशन क्या है, पॉजिटिव सेंटेंसेस की नेगेटिव और क्वेश्चन स्टेटमेंट्स में आप डू डज यूज़ करते हो, सिंगुलर के साथ आप डज यूज़ करते हो, और जो प्लूरल है उसमें आप डू यूज़ करते हो, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो उनके फॉर्मेशन में मिस्टेक्स हो सकती हैं। और अगर हम यूजेज की बात करें तो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें फॉर्मेशन का तो पता होता है लेकिन वो कन्फ्यूज़ कहाँ होते हैं, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं टेंसेस के यूजेज में। फॉर एग्ज़ाम्पल अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट फैक्ट्स और हैबिट्स, लेकिन ज़्यादा स्टूडेंट्स जो टेंसेज में कन्फ्यूज़ होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन दोनों में कन्फ्यूज़ होते हैं कि कहाँ पे हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना होता है और कहाँ हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करना होता है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं फॉर्मेशन और यूजेज, आपने इन दोनों को ही कवर करना है। टेंसेस में आपको पता होना चाहिए कि कौन से टेंस की फॉर्मेशन क्या है और उसको आपने प्रॉपरली कहाँ पे यूज़ करना है। तो ये था सब हमारी ग्रामर से रिलेटेड। आपने राइटिंग स्टार्ट कर दी, ग्रामर को आपने नोट किया कि कहाँ कहाँ पे आपके मिस्टेक्स आ रही हैं। अब जो इसमें थर्ड मेन पार्ट होता है राइटिंग स्किल्स के लिए वो होता है वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी को आप किस तरह से बिल्ड कर सकते हो।
जब भी आप पैराग्राफ लिखते हैं या किसी भी टॉपिक के ऊपर लिख रहे होते हैं, तो बेसिकली आप अपने आइडियाज़ को ट्रांसलेट कर रहे होते हो। जब आप उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनकी आपको इंग्लिश नहीं आती होगी। सो हेयर आर सम सजेशंस फ्रॉम माई साइड टू ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स दैट कीप ऑन एडिंग न्यू वर्ड्स टू योर वर्ड बैंक। सेकेंडली, यूज करेक्ट स्पेलिंग एंड द थर्ड वन इज फोकस ऑन वर्ड चॉइस। तो जब भी आप लिखते हैं कुछ वर्ड्स जिनकी आपको इंग्लिश नहीं आती होगी, आप उनके बारे में सर्च करोगे और जब आपको उस वर्ड का अप्रोप्रिएट वर्ड का पता चल जाएगा तो आपने उसे अपने वर्ड बैंक में शामिल कर लेना है ताकि आप उसको रिवाइज कर सको, उसको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करो और उसे अपने परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बनाओ। सेकेंडली, आपने स्पेल जो है वो बिल्कुल सही इस्तेमाल करने हैं। व्हाट्सएप पे और टेक्स्ट कर करके हम लोगों ने आप क्योंकि हम फोकस नहीं करते ड्यूरिंग टेक्स्टिंग के हम क्या स्पेल टाइप कर रहे हैं, या बहुत से लोगों ने ऑटो करेक्ट लगाया होता है तो उस वजह से हमारी जो स्पेलिंग है वो बहुत ज़्यादा रफ हो जाती हैं। तो आपने अपनी स्पेलिंग को करेक्टली यूज़ करना है। एंड द थर्ड वन इज़ फोकस ऑन वर्ड चॉइस। इसका मतलब क्या है कि उर्दू में अगर कोई वर्ड है तो फॉर एग्ज़ाम्पल तोड़ना, तो इसके लिए अगर आप सर्च करोगे तो ब्रेक का वर्ड आएगा। अब अगर आप फूल तोड़ते हो, अगर आपको एक सेंटेंस में देती हूँ कि उसने फूल तोड़ा, तो यहाँ पे आप ब्रेक का वर्ड यूज़ नहीं करोगे इंग्लिश का, बल्कि आप क्या यूज़ करोगे, प्लक। तो फूल तोड़ने की इंग्लिश यानी उखाड़ने के लिए आप प्लक का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपने काइंडली अपने जो वर्ड चॉइस है उसको आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, उसको आपने अप्रोप्रिएटली यूज़ करना है कि किस सेंस में आप उस वर्ड को यूज़ करने जा रहे हैं। एंड नाउ आई विल शेयर 5 टिप्स टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स। एंड द नंबर 1 टिप इज़ कीप इट सिंपल। कीप इट सिंपल एज मच एज यू कैन। मैं उमूमन अपने स्टूडेंट से कहा करती हूँ कि सिंपल डन एक्यूरेटली इज़ बेटर देन कॉम्प्लिकेटेड डन इनएक्यूरेटली। इसका मतलब क्या है कि आप जब चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करना शुरू कर देते हो तो उसमें फिर उतनी ही ज़्यादा मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा टफ वोकैबुलरी यूज़ करते हो या आप सेंटेंसेस की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी मिस्टेक्स होने के, आपके स्पेल एरर हो सकते हैं या वोकैबुलरी को आपने जो हाई प्रोफाइल वोकैबुलरी याद की हुई है हो सकता है कि उसके जो यूसेज है वो आपने सही से नहीं किया, आपने जो वर्ड है उसकी आपकी चॉइस बेटर नहीं है। सो कीप इट सिंपल एज मच एज यू कैन एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। द सेकेंड टिप टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स इज प्रिपेयर की फ्रेजेस। की फ्रेजेस क्या होते हैं सिंपलेस्ट टर्म में, द अदर वेज टू से अ वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, If you want to say compare, you can say in the same way. Likewise, contrast के लिए आप on the contrary, however use कर सकते हो. And if you want to give examples, you can say for instance, to illustrate. And to give opinions, you can use from my perspective, from my point of view. तो इस तरह से आप अपना जो key phrases हैं उनको prepare कर सकते हो ताकि जब आप लिख रहे हो तो आपके पास एक ह्यूज कलेक्शन हो वर्ड्स की और आप वही कॉमन और यूजुअल वर्ड्स यूज ना कर रहे हो बल्कि डिफरेंट जो है वो वर्ड्स आप यूज कर सकें। सो दिस वाज द सेकंड टिप। द थर्ड टिप इज डू नॉट यूज कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं, जो वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड्स हैडन, डोंट, हैजंट, वरंट, शीज, ये सारी क्या होती हैं, शॉर्ट फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड्स फॉर व्हाट इज। तो जब तक जहाँ तक स्पोकन की बात है तो स्पोकन में आप कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करते हो और वो बिल्कुल ठीक लगती हैं, लेकिन जब आप रिटन वर्क की बात करते हो तो रिटन वर्क में कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करने से आपका जो वर्क है वो फॉर्मल नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई फॉर्मल ईमेल लिख रहे हो तो उसमें रादर देन सेइंग आई हैवंट यू विल यूज़ आई हैव नॉट। इसी तरह से अगर आप लिखना चाहते हो कि आई डोंट लाइक, तो नेवर से आई डोंट, यू विल यूज़ आई डू नॉट। तो ये जो विदाउट कॉन्ट्रैक्शंस जो फुल फॉर्म होती है वर्ड्स की, ये आपकी रिटन वर्क को ज़्यादा फॉर्मल बनाती है, ज़्यादा अपीलिंग और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। टिप नंबर 4, यूज़ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। व्हाट इज दिस मीन दैट अपने वर्क को ज़्यादा फॉर्मल बनाने के लिए यू नीड टू अवॉइड यूजिंग वेरी, सो, अलॉट, रियली, देयर इज, देयर आर।
इस तरह के जो वर्ड्स जब आप अपने रिटन में यूज़ करते हो तो आपका वर्क बहुत इमेच्योर सा लगता है, ऐसे लगता है जैसे किसी बच्चे ने लिखा हुआ है। सो रादर देन सेइंग सो स्केयर्ड, यू कैन यूज़ अ स्ट्रॉन्ग वर्ब टेरिफाइड। आई एम सो स्केयर्ड, आई एम टेरिफाइड। नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस। तो आप जैसे जैसे आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी, आप की फ्रेजेस तैयार करोगे, वैसे वैसे आपकी जो वर्ड बैंक है या आपकी जो वोकैबुलरी बैंक है वो इम्प्रूव होगा, और आप स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ करोगे तो आपका जो रिटन वर्क है वो फॉर्मल भी लगेगा और मैच्योर भी लगेगा। टिप नंबर 5 इज़ रीड द राइट मटेरियल। इससे मेरी मुराद ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी टॉपिक के बारे में लिखना चाहते हैं तो पहले आप प्रॉपर जो है वो होमवर्क कीजिए, आप उसके बारे में सर्च कीजिए। सो हेयर आर सम सजेशंस फॉर ऑल ऑफ यू। Read the right piece of writing and try to rewrite the articles. And lastly, note down spelling and vocabulary. इन सजेशन से होगा क्या कि आप जब आप प्रॉपर होमवर्क करोगे तो आपके पास मटेरियल बहुत ज़्यादा होगा, आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास आइडियाज़ होंगे लिखने के लिए, आपके पास बहुत कुछ होगा, ठीक है। आपके माइंड में ऐसे बहुत से आइडियाज़ हैं, नॉलेज हैं जो आप शेयर कर सकते हो। सेकेंडली, अगर आप किसी आर्टिकल को पढ़ते हैं और उसे पढ़ने के बाद आप उसे लिखते हैं, रीराइट करते हैं, तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी राइटिंग को ओरिजिनल जो आर्टिकल है उसके साथ कंपेयर कर सकते हो। एंड द थर्ड वन, जब भी आप कुछ पढ़ते हो, आइदर इट इज़ अ बुक, नॉवल और अ स्टोरी और एनी पीस ऑफ राइटिंग, एनी आर्टिकल, न्यूज़पेपर एट्सेट्रा, तो उसमें जो स्पेलिंग्स हैं या जो वोकैबुलरी होती है उसको काइंडली नोट ज़रूर कीजिए ताकि आपके अपने स्पेलिंग्स भी इम्प्रूव हो सके, और अगर आपके लिए कोई नया वर्ड है तो वो आपके वोकैबुलरी बैंक में एक प्लस एडिशन होगी। फाइनली, द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ get your work checked. What you have to do is you have to find someone who can evaluate your work. कोई भी ऐसा teacher या instructor जो आपकी assignments को, आपके paragraphs को properly, thoroughly check कर सके, evaluate करे और आपको एक proper feedback दे कि आपके जो mistakes हैं उनकी correction क्या होगी, कौन से आपके weak areas हैं जिन पे आपको focus ज़्यादा करना चाहिए। और be very careful while contacting someone online because it is very unlikely to find someone who is really interested in checking your work. Teachers आपको पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, but आपके tasks को evaluate करना, आपके assignments को check करना is a very tough task, और I would suggest to get a proper teacher and pay them to help you. So I hope कि ये session आपके लिए helpful रहा होगा। If you have any question, you may ask, and if you want to get our evaluation program, you may contact us via our WhatsApp, and the number is mentioned in the description box as well.